वेलकम टू लर्न बी एक्स्ट्रा आई एम शिवानी चौहान इस वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ साइंस की बुक का चैप्टर ट्वेल्व इलेक्ट्रिसिटी के इंटेक्सट क्वेश्चन देखेंगे तो देखिए जो पेज नंबर टू हंड्रेड पर है पहला क्वेश्चन वट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या मतलब होता है तो देखिए अ कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट तो मतलब अगर इलेक्ट्रिक करंट एक कंटिन्यूसली किसी क्लोज चीज़ में पास हो रहा है तो वही इलेक्ट्रिक सर्किट बन जाता है एंड इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर सोर्स वायर्स, स्विचेस इलेक्ट्रिक डिवाइस लाइक रेजिस्टर्स, बल्ब एक्सेट्रा तो इसमें जो है पावर सोर्स होता है एक वायर्स होते हैं स्विच होते हैं इलेक्ट्रिक डिवाइसेज जैसे कि रजिस्टर्स बल्ब वगैरह सब इलेक्ट्रिक सर्किट में होते हैं ये डेफिनेशन हो गई नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट करंट की यूनिट क्या है तो देखो ऐसा ही यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर तो जो ऐसा यूनिट है ना करंट की वो तो एम्पियर है डेफिनेशन इसकी देखिए व्हेन वन कुलम चार्ज फ्लोस थ्रू एन इलेक्ट्रिक डिवाइस इन अ सर्किट इन वन सेकेंड देन द करंट फ्लोइंग थ्रू द डिवाइस इज सेट टू बी वन एम्पियर जब देखो एक डिवाइस में से क्या हो रहा है वन कुल चार्ज फ्लो हो रहा है एक डिवाइस में से एक सेकेंड में वन कुलॉम चार्ज जब वन सेकेंड में एक डिवाइस में से पास हो रहा है देन द करंट फ्लोइंग थ्रू द डिवाइस इज से टू बी वन एम्पियर तो जब वन एम्पियर करंट कब होता है जब एक कोलॉम चार्ज एक सेकेंड में पास होता है ना एक कोलॉम चार्ज एक सेकेंड में जब पास होता है तो उसको हम लोग कहते हैं वन एम्पियर ठीक है वन कोलॉम चार्ज वन सेकेंड में पास हो रहा है तो यानी कि वन एम्पियर करंट बनता है स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ करंट आर एक्सप्रेसड इन मिली एम्पियर और इन माइक्रो एम्पियर तो जो स्मॉल क्वांटिटीज होती है करंट की उसको मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर कहते हैं वन मिली एम्पियर होता है टें टू दी पावर माइनस थ्री एम्पियर और वन माइक्रो एम्पियर होता है टेंट टू दी पावर माइनस सिक्स एम्पियर नेक्स्ट है कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंसिस्टिंग वन कोलॉम ऑफ चार्ज तो एक कोलॉम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये बताना है तो वन चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन क्या होता है ई इजिकल्स टू वन पॉइंट सिक्स इंटू टें पावर माइनस नाइनटीन वन पॉइंट सिक्स ई होता है 1.6 पॉइंट सिक्स टेन टू द पावर माइनस नाइनटीन कुलॉम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कुलॉम एक कुलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वन अपॉन वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइनटीन तो यानी कि सिक्स पॉइंट आप इसको याद कर लीजिए कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कुल होते हैं सिक्स पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू दी पावर एटीन इस तरीके से निकल जाता है नेक्स्ट पेज टू हंड्रेड टू के हैं नेम डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर तो कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने में कौन मदद मतलब करता है तो आंसर है सेल और बैटरी मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर तो कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेल या फिर बैटरी मेंटेन करता है क्वेश्चन uh, जो 202 पेज का नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज वन एम दो पॉइंट्स के बीच का सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस वन वोल्ट है इसका क्या मतलब है देखो आंसर है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन अ सर्किट इज डिफाइंड एज वर्क डन और एनर्जी रिक्वायर्ड इन मूविंग वन को लॉम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वन वोल्ट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव वन को लॉम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज वन जूल तो देखो पोटेंशियल तो डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में किसी भी सर्किट में क्या होता है दो पॉइंट हैं ठीक है सर्किट के इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन टू पॉइंट इन अ सर्किट उसको क्या कहते हैं वर्क डन और एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव वन कुल चार्ज एक कोलॉम चार्ज को मूव करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर जाना है इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाना है तो एक कोलॉम चार्ज को मूव करने का जो डिफरेंस होगा ना बस वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन अ सर्किट इज डिफाइंड एज वर्क डन काम होता है और एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव वन कोलॉम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए कितना वर्क डन होता है वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है एक सेकेंड में इफ़ पोटेंशियल डिफरेंस अगर वन वोल्ट होता है तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव वन कोलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज वन चूल नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू द ईच कोलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ सिक्स वोल्ट बैटरी तो भाई कितनी एनर्जी चाहिए होती है हर कुलम चार्ज को जो कि सिक्स वोल्ट बैटरी से पास कर रहा होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो तो देखो ये सिक्स वोल्ट हमें दे रखा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन अ सर्किट इज डिफाइंड एज एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है एनर्जी रिक्वायर्ड जो होती है वो एक कलॉम चार्ज को मूव करने के लिए एक कलॉम चार्ज को मूव करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो वी का फॉर्मूला क्या होता है वी इजिकल टू डब्लू अपॉन क्यू वी इजिकल्स टू डब्लू बाई क्यू होता है तो इसको निकालने के लिए W निकालने के लिए क्या करेंगे Q ऊपर चला जाएगा तो W इज इक्वल्स टू वी इन टू क्यू हो जाएगा तो v हमारे पास सिक्स था और हम लोगों को चार्ज कितना Q हम लोगों को दे रखा है कितना ईच कुल यानी कि वन दे रखा है और हमारा आंसर आ जाएगा सिक्स जूल तो वर्क डन कितना हो जाएगा वर्क डन हमारे पास आ जाएगा सिक्स जूल ठीक है तो वर्क डन सिक्स जूल हमारा हो जाएगा नेक्स्ट है पेज नंबर वन टू हंड्रेड नाइन पर पहला है ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड रेजिस्टेंस जो होता है कंडक्टर का वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर कैन बी रिटर्न एज आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए ये होता है रेजिस्टेंस कंडक्टर का दस रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टर डिपेंड ऑन प्रॉपर्टीज़ ऑफ़ मटीरियल ऑफ कंडक्टर और रजिस्टिविटी ऑफ मटीरियल तो ये देखो रजिस्टिविटी रजिस्टेंस इन सब चीज़ों पर रजिस्टिविटी पर और कंडक्टर की लेंथ पर और कंडक्टर के एरिया पर कि भाई देखो रेजिस्टिविटी किसी भी कंडक्टर की होगी सपोज कंडक्टर ये है कंडक्टर कोई भी वायर हो सकता है जिसमें से करंट पास हो सके उस वायर की लेंथ कितनी है उस वायर का एरिया कितना है और उसकी रजिस्टिविटी कितनी है तो रो एल और ए इन तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस तो रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर तो मटेरियल की रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है मटेरियल की रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर दे आर फो ऑफ अ रजिस्टर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर तो जो रजिस्टेंस जो होता है ना वो रजिस्टर पर डिपेंड करता है कि भाई उसका टेम्परेचर कितना है तो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पर लेंथ पर एरिया नेक्स्ट है विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर ऑफ द सेम मटीरियल वेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स वायर तो करंट जो है ज़्यादा इजीली कब पास करेगा एक पतले वायर से एक मोटे वायर से करेगा अच्छे से अब मटीरियल सेम है सपोज करो दोनों के दोनों कॉपर के एक कॉपर का पतला वायर है और एक कॉपर का मोटा वायर है तो करंट ज़्यादा अच्छे से किससे पास करेगा ये बताना है तो देखो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड ऑन रेजिस्टिविटी लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए अब यहाँ पर देखो कि जो आर है ये वाला जो आर है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो अगर ज़्यादा होगा तो एरिया कम होगा अगर एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा तो इसका मतलब हमें एक चीज़ समझ में आई है कि अगर एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा और आई क्या होता है करंट होता है वी अपॉन आर यानी कि करंट इज इक्वल्स टू जो वोल्ट होता है अपॉन रेजिस्टेंस होता है अब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा वी अपॉन आई हो जाएगा है ना क्योंकि आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर है अब आई जो है वो इन्वर्सली देखो आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर हो गया राइट right? तो आई और आर भी इनवर्सली प्रपोर्शनल है तो आई इज़ इनवर्सली प्रपोर्शनल टू आर आई इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू आर हो गया और आई यहाँ पर देखो आई डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है एरिया के तो देखो वेन कनेक्टेड टू द सेम पावर सोर्स करंट थ्रू थिक वायर इज मोर कम्पेयर टू द थिन वायर ऑफ द मटीरियल तो मोटा जो वायर है ना उससे ज़्यादा करंट पास होगा एज कम्पेयर टू पतले वायर से ठीक है मोटे वायर से ज़्यादा करंट पास होता है क्योंकि आई इज डायरेक्टली प्रोपोशनल टू ए आई एम शिवानी चौहान इस वीडियो में हम क्लास टेंथ साइंस की बुक का चैप्टर ट्वेल्व इलेक्ट्रिसिटी के इंडेक्स क्वेश्चन देखेंगे तो काफी सारे क्वेश्चंस तो हम लोग देख चुके हैं अब हम पेज नंबर टू हंड्रेड नाइन का क्वेश्चन थ्री से स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन थ्री में कहा गया है लेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट रिमेंस कॉन्स्टेंट वाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ द कॉम्पोनेंट डिक्रीज टू हाफ ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू वट चेंज विल अकर इन द करंट थ्रू इट तो हमें बोला गया है कि लेट मतलब सपोज करना है कि रजिस्टेंस जो है इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट का रजिस्टेंस तो जो है कोई भी एक इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट है इलेक्ट्रिक डिवाइस है वो सेम है बदल नहीं रहा है वाई जो उसकी पोटेंशियल डिफरेंस है वी वो जो है वो डिक्रीज हो गई है आ, देखो क्या है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंपोनेंट डिक्रीजेस टू हाफ ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू जैसे कि अगर सपोज करो पहले वी थी तो अब जाकर के वो वी बाई टू हो गई है हाफ हो गई है तो करंट क्या होगा तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो होता है आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग और आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी के तो अगर वी आधा हो जाएगा ना तो करंट भी आधा हो जाएगा क्योंकि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होता है इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस इज डिक्रीज टू हाव द ओरिजिनल वैल्यू कीपिंग द रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंट तो करंट थ्रू द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट आल्सो डिक्रीज टू हाफ टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इसलिए अगर पोटेंशियल डिफरेंस हाफ हो जाएगी तो करंट भी हमारा हाफ हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर द कॉल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड ऑफ एन अलॉय रादर देन प्योर मेटल तो जो इलेक्ट्रिक टोस्टर होता है जैसे टोस्ट बनते हैं या फिर जो वो होती है प्रेस होती है वो अलॉय की क्यों बनता है यानी कि मिक्सचर ऑफ मेटल्स की क्यों बनते हैं प्योर मेटल का क्यों नहीं बनता तो आंसर है रेजिस्टिविटी ऑफ एन अलॉय इज जनरली हायर देन दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल तो जो आर होते ये जो रोग होती है ना रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी हायर होती है अलॉय की मेटल से अलॉय डज नॉट ऑक्सीडाइज बर्न इजीली एट हाई टेंपरेचर अलॉय जो होते हैं वो इजीली बर्न भी नहीं होते जलते नहीं है मतलब डिस्ट्रॉय नहीं होते फॉर दिस रीजन दे आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस लाइक इलेक्ट्रिक आयन टोस्टर दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है आपके भी आ सकता है कि भाई प्योर मेटल का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं और अलॉयज़ का इस्तेमाल क्यों करते हैं अलॉय के बारे में हमने चैप्टर थ्री जो है उसमें पढ़ा है हमारी बुक का है ना केमिस्ट्री वाला अलॉय जो है कई मेटल्स का मिक्सर होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो हाई टेम्परेचर पर भी जो है सही से काम कर पाता है ऑक्सीडाइज नहीं होता बर्न आउट नहीं होता इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं अब टेबल ट्वेल्व पॉइंट टू में डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी दे रखी है कुछ सब्सटेंस की ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस पर तो कुछ कंडक्टर्स की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी लॉयर्स की इंसुलेटर्स की दे रखी है विच अमंग आयरन एंड मर्करी इज़ अ बेटर कंडक्टर तो कंडक्टिविटी जो है आयरन की वो ये गिवन है आप टेबल में से देख सकते हैं Uh, की जो आयरन है उसकी कंडक्टिविटी हमें ये गिवन है और कंडक्टिविटी ऑफ़ मर्करी हमारी ये गिवन है 94 फोर इंटू ट्वेंटी पावर माइनस एट ओम मीटर देर फोर आयरन इज अ गुड कंडक्टर कंपेयर टू मरकरी तो आयरन जो है वो मरकरी से अच्छा कंडक्टर है नेक्स्ट है विच मटेरियल इज़ द बेस्ट कंडक्टर तो इस टेबल में अगर हम देखें तो सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर होता है एज कम्पेयर टू अदर मेटल सिल्वर इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर बट हम लोग इस्तेमाल क्यों नहीं करते सिल्वर कर, का क्योंकि वो महंगा होता है कॉपर वगैरह का हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो सस्ता होता है तो इस टेबल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो सिल्वर जो है वो सबसे अच्छा कंडक्टर है ये देखो यहाँ पर है ना 1.6 पॉइंट सिक्स टेन टू दीपावर माइनस एट इस टेबल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सबसे अच्छा जो कंडक्टर है वो सिल्वर है क्योंकि सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा कम है जिसकी सबसे ज्यादा कम रेजिस्टिविटी होगी वही सबसे अच्छा कंडक्टर होगा सबसे ज़्यादा कम रेजिस्टेंस देगा ना वो करंट को पेज नंबर टू हंड्रेड थर्टीन पर क्वेश्चन है देखो स्केमेटिक डायग्राम हम लोगों को दिया गया है और सॉरी हमें बनाना है ड्रा स्कमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ थ्री सेल्स ऑफ टू वोल्ट ईच मतलब जो वोल्ट है बैटरी की वो तो टू वोल्ट है फाइव ओम का रजिस्टर लगा हुआ है आर जो लगा हुआ है वो लगा हुआ है फाइव ओम का और एक लगा हुआ है हमारा यहाँ पर एट ओम का और एक लगा हुआ है हमारा ट्वेल्व ओम का ठीक है एंड प्लग अ की ऑल कनेक्टेड हुआ सीरीज़ ठीक है तो हम ये सारे के सारे हम लोगों ने कनेक्ट किया तो ये सीरीज़ में सारे के सारे हमारे ऐसे करके कनेक्ट हो जाते हैं हम्म और इसका जो सिक्स वोल्ट का है करंट पास हो रहा है की है और तीन रेजिस्टर्स हैं अब हमें क्या करना है ये वाला जो सर्किट बनाना था तो बस हमें सिंपल सा सर्किट हम लोगों ने बना दिया सीरीज़ में कनेक्शन होता है मतलब कि ऐसे ऐसे करके सीधी लाइन होती है फिर उसके बाद यहाँ पे वोल्ट होते हैं फिर इधर ऐसे की होती है करंट हो रहा है तो यहाँ पर ये जो सर्किट आप लोग के सामने बना रखा है यही हमें बनाने को बोला था नेक्स्ट है फिर उसके बाद क्वेश्चन वन में जो सर्किट है उसको फिर से बनाना है और उसमें हमें एक एमीटर भी लगाने लगा देना है एमीटर का काम होता है करंट को मेजर करना पुटिंग इन एन अमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रेजिस्टर्स एंड वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ट्वेल्व ओम रजिस्टर तो रजिस्टर जो है ट्वेल्व ओम का है उसको जो ट्वेल्व ओम वाला रजिस्टर है इस वाले में आप एक वोल्ट मीटर लगा देंगे और इसके पास ही आप एमीटर लगा देंगे ये ये ताकि रीडिंग्स ली जा सके तो ट्वेल्व ओम वाला जो रजिस्टर है इसके साथ हम लोगों को एक वोल्ट मीटर लगा देना है और एक हमें एमीटर लगा देना है ठीक है तो इस तरीके से लग जाएगा ये फिगर बन जाएगी फिर उसके बाद हमें वर्ट फुट विद रीडिंग्स रीडिंग्स निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तो V इज इक्वल टू आई आर होता है right? तो I क्या होता है होता है करंट V upon R, है ना V upon R इस तरीके से V to IR, तो I to v upon R हो तो हो गया तो वोल्टेज हमारी क्या हो जाएगी सिक्स और रजिस्टर्स हमारे वोल्टेज तो हमें केवल है यहाँ पे देखो सिक्स है तीन रजिस्टर्स हैं एक है फाइव का एक है एट का और एक है ट्वेल्व का ठीक है तो सिक्स 12 ट्वेल्व प्लस एट हो गया ट्वेंटी ट्वेंटी प्लस फाइव ट्वेंटी फाइव तो सिक्स पॉइंट ट्वेंटी फाइव जब हम करेंगे तो जीरो पॉइंट टू फोर हमारा जो है आंसर आ जाएगा ठीक है फिर उसके बाद हमारे पास करंट आ गया करंट से हम लोगों को V निकाल देंगे V इज इक्वल्स टू आई की मदद से I हमारे पास आ गया 0.2 पॉइंट टू जीरो फोर अच्छा यहाँ पे टू ये आ गया फिर उसको हम लोग रजिस्टर्स जो है इस वाले से इस वाले से निकालना है तो इसलिए हम लोग ट्वेल्व से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा टू पॉइंट एट एट फोर तो बस ये फॉर्मूले इस्तेमाल करके हम लोग का आंसर आ जाएगा अब पेज नंबर टू हंड्रेड सिक्सटीन पर जो है कुछ क्वेश्चन हैं जज द इक्ट रजिस्टेंस वैन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पेलर तो ये जो है ये ए वाला है ये पैलर में कनेक्ट है फिर ये वाला बी वाला जो अगर ये पैलर में कनेक्टेड है तो हम लोगों को क्या निकालना है रेजिस्टेंस निकालना है पैलर में कनेक्ट हैं तो होते हैं तो फॉर्मूला जो बनता है वो इस तरीके से बनता है ठीक है देखो ये दो हैं तो ए वाला आप ऐसे करोगे नीचे प्लस कर देंगे इन दोनों को वन और टेन टू द पावर सिक्स यानी कि वन प्लस टेन की पावर सिक्स रखेंगे और ऊपर वाला जो है इन्हीं दोनों को हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे ये होता है फॉर्मूला रजिस्टेंस तो अगर पैल में है तो जो है आर वन इंटू आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू ठीक है तो इधर आर वन जो है वो वन ओम है और आर टू जो है वो टेन टू दी पावर सिक्स ओम है राइट तो इनको नीचे इन दोनों को ऐड कर देंगे और ऊपर इन दोनों को कर देंगे हम लोग मल्टीप्लाई वन इंटू टेन टू दी पावर सिक्स ठीक है तो वन इन टू पावर सिक्स जो होगा वो टेन टू दी सिक्स हो जाएगा और नीचे वन प्लस ट्वेंटू दी पावर सिक्स तो रफली ट्वेंटू दी पावर सिक्स ही आएगा टेन टू दी सिक्स है अगर तो उसका क्या मतलब हो गया तो वो बहुत बड़ा नंबर है उसमें आप वन ऐड करेंगे तो रफली वही रहेगा इन दोनों को काट देंगे तो हमारा आंसर वन ओम ही आ जाएगा क्यों क्योंकि वन आप ऐड कर देंगे तो ज़्यादा कुछ अंतर नहीं पड़ेगा इसलिए हमारा जो है आंसर वन ओम ही आ जाएगा फिर नेक्स्ट है वन टेंट दी पावर थ्री टेंटी पावर सिक्स तो इसमें देखो तीन हैं तो हम लोग क्या करेंगे पैरेलल के लिए तीनों को वन अपॉन ठीक है वन था तो वन अपॉन वन आ जाएगा प्लस टेंट तो थ्री पावर थ्री था अपॉन वन टेन ट्वेंटी थ्री पावर थ्री आ जाएगा और वन अपॉन टेन टू तो थ्री पावर सिक्स आ जाएगा इन सब का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा नीचे ट्वेंटी तो थ्री पावर सिक्स आ जाएगा एलसीएम लेके इधर क्या जाएगा? आ जाएगा इधर ट्वेंटी पावर सिक्स आ जाएगा इधर इसके ऊपर क्या आ जाएगा ट्वेंट्री पावर थ्री आ जाएगा और इधर तो वन ही रहेगा तो ट्वेंटी पावर सिक्स और ट्वेंट्री पावर थ्री क्या हो जाएगा और इसमें हम लोग वन को भी ऐड कर रहे हैं तो रफली सिक्स सेवन एट नाइन बेसिकली ट्वेंट्री पावर नाइन हमारे पास आ जाएगा और प्लस का वन आ जाएगा और इधर नीचे ट्वेंटी पावर सिक्स आ जाएगा तो जब हम इसको देखो इस तरीके से हम लोग का ये बनेगा हाँ और ट्वेंट्री पावर सिक्स तीन छः जीरो हमारे लग जाएंगे और इसमें हमारा बेसिकली बस वन ऐड होगा तो हमारा वन पॉइंट एस जीरो ज़ीरो तो आंसर ना रफली अगर आप लोग इसको पूरा रफली आंसर निकालोगे ना तो आंसर अल्टीमेटली वन ओम ही आएगा तो फ्रॉम द टू प्रॉब्लम्स वेन वेरी लो रेजिस्टेंस इज़ कनेक्टेड टू द वेरी हाई द रजिस्टेंसिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन विल क्लोज टू द लो रजिस्टेंस तो आप लोग को ये वाली बात जो है इंपॉर्टेंट याद रखनी है इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम लोग दो रजिस्टेंसिस को कनेक्ट करते हैं एक रेजिस्टेंस है जो बहुत ही कम है देखो वन ओम बहुत कम है ट्वेंटी पावर सिक्स बहुत ज़्यादा है तो जो हमारा आंसर आएगा ना पैलवल की रेजिस्टेंस का वो हमारा छोटे वाला का आंसर आएगा और अगर ये सीरीज़ में होते तो आंसर हमारा ये वाला आता पैलवल में है तो हमारा छोटे वाला आंसर है सीरीज़ में होते तो बड़ा वाला आता तो इसमें छोटे वाला वन ओम इसलिए इसका भी आंसर वन ओम है और बी वाले का भी आंसर वन ओम आया है ठीक है इसी तरीके से होता है ये नेक्स्ट um, uh, है क्वेश्चन एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ हंड्रेड ओम अ टोस्टर ऑफ रजिस्टेंस फिफ्टी ओम एंड द वाटर फिल्टर ऑफ रजिस्टेंस फाइव हंड्रेड ओम आर कनेक्टेड इन पैलल टू 250 फिफ्टी वोल्ट सोर्स ठीक है तो इस तरीके से ये पैलल में तीनों कनेक्टेड हैं व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल आयरन तो ये जो है ये इलेक्ट्रिक लैम्प का था अब इलेक्ट्रिक आयन का क्या रेजिस्टेंस होगा अगर वो सेम सोर्स से कनेक्टेड है दैट टेक्स एज मच करंट एज वेल एज थ्री अप्लाइंसेज एंड वॉट इज़ द करंट थ्रू इट तो मतलब एक आयरन कनेक्टेड है इतना ही वो करंट ले रही है हम लोगों को बताना है कि उस आयरन का रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा करंट इतना ही लग रहा है बस उस आयरन का रेजिस्टेंस हमें निकालना है इस तरीके से हमारा डायग्राम बन जाएगा तो जो इसके साथ सेम सोर्स से कनेक्टेड है ना तो हमेशा पैलल में लगता है जब भी सेम सोर्स से कनेक्ट होते हैं तीन हमारे रेजिस्टेंस है हंड्रेड और फाइव तो ये देखो यहाँ पर हंड्रेड फाइव हंड्रेड करके हम लोगों ने निकाल दिया वन अपॉन हंड्रेड वन अपॉइंट फिफ्टी वन अपॉन्ट फाइव हंड्रेड इन तीनों का एल सी एम लेना है और आंसर हमारे पास आ जाएगा थ्री पॉइंट वन टू फाइव एल सी एम ले लोगे आप आंसर आ जाएगा ठीक है तो जो फिर उसके बाद नेट करंट थ्रू ऑल द थ्री रजिस्टर्स करंट क्या होता है वी इजिक्वल्स टू आई आर होता है तो आर क्या आई क्या होता है वी अपॉन आर होता है तो हमारा आर आ गया थर्टी वन पॉइंट टू फाइव और करंट हमारा कितना फ्लो कर रहा था ये सॉरी हमारा वी कितना था टू ट्वेंटी ठीक है तो करंट क्या आई हमारा निकालने के लिए वी हमारा टू ट्वेंटी था आर हम लोगों ने निकाल लिया था टू तो ट्वेंटी अपॉन थर्टी वन पॉइंट टू फाइव जब हम करेंगे डिवाइड तो सेवन पॉइंट जीरो फोर एम हमारे पास आंसर आ जाएगा ठीक है तो सेम करंट रेजिस्टेंस अगर आयरन का भी है तो हमारा थ्री थर्टी वन पॉइंट टू फाइव ओम और करंट जो है सेवन पॉइंट जीरो फोर क्योंकि हमें बोल रखा था ना कि बिल्कुल आयरन का भी सेम है जो हमारे लैम्प का है तो हम लोग पैनल वाले कंडीशन की हेल्प से आंसर निकाल सकते हैं Um, uh, next uh, question is question number three. क्वेश्चन थ्री है वॉट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइस इन पैलल विद बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग दैम इन सीरीज तो एडवांटेज क्या है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज को पैलल में कनेक्ट करने का बैटरी के साथ सीरीज में मतलब जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज होते हैं उनको हम लोग सीरीज में क्यों नहीं कनेक्ट करते हैं हम पैनल में क्यों कनेक्ट करते हैं तो इसका आंसर हमें बताना है तो आंसर है टू प्रोपर्ली ऑपरेट डिफरेंट इलेक्ट्रिकल डिवाइजेज नीड अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट तो सही से अगर उनको काम करना है इलेक्ट्रिकल डिवाइस को तो उनका जो करंट है वो अलग अलग होना चाहिए इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑल द डिवाइस गेट द सेम करंट सीरीज में जब वो होते हैं कॉम्बिनेशन में तो सारे के सारे डिवाइसेस का जो करंट है वो सेम होता है वाइल जब वो पैलर में कॉम्बिनेशन में होते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है रजिस्टर्स का वो सेम होता है और करंट जो है वो अलग अलग होता है तो पोटेंशियल जब हम पैल में कनेक्ट करते हैं ना तो वी जो है अलग होता है और आई सबका सेम होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में वन डिवाइस फेल सर्किट ब्रेक्स एंड अदर डिवाइस स्टॉप वर्किंग सीरीज में अगर सारे के सारे घर की चीजें लगे ना तो अगर कोई एक भी चीज खराब हो गई ना तो घर के सारे की सारी की सारी चीजें बंद हो जाएंगी वेयर एज इन पैरल कॉम्बिनेशन और डिवाइजेस आर इंडिपेंडेंटली कनेक्टेड टू मेज इवन एफ वन डिवाइस फेल अदर कंटिन्यू टू वर्क तो तो पैलल में क्या होता है कि अगर एक डिवाइस खराब हो जाए तो क्योंकि वो मेन सर्किट से सारी अलग अलग जुड़ी हुई हो होती हैं तो एक डिवाइस खराब हो जाए उसका दूसरी पसंद नहीं पड़ता सीरीज में क्या होता है अगर एक भी डिवाइस खराब हो गई ना घर की जैसे सपोज करो का खराब हो गया तो फ्रिज भी बंद हो जाएगा अगर सीरीज़ में है तो क्योंकि सीरीज़ में सारे इकट्ठा जुड़े होते हैं और करंट सब में क्या होता है आप बताइए अभी बताया था ना देखो पैलर में क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है और करंट सेम होता है सीरीज़ में क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम होता है और करंट अलग होता है इसलिए हमें एक याद रखना है कि पैलर में पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सेम होता है और करंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है अलग अलग होता है इसलिए पैल बैटर होता है और सारी चीज़ें अगर एक भी चीज़ ख़राब हो गई तो बाकी सब पे कोई असर नहीं पड़ेगा तो दे फो थ्री रजिस्टर टू थ्री टू ओम थ्री ओम एंड सिक्स ओम आर कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रजिस्टेंस ऑफ फोर ओम और एक सेकेंड सॉरी 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 ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा यहाँ तक हमारा यहाँ पर आंसर कम्प्लीट हो गया था ठीक है तो ये हमारा इंडिपेंडेंटली पैलल में वर्क करती रहती है एक खराब हो गई तो दूसरे पैसे नहीं होता ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अब आगे वीडियो में करेंगे हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा आई एम शिवानी चौहान इस वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ साइंस की बुक का चैप्टर ट्वेल्व इलेक्ट्रिसिटी के इंटेक्स क्वेश्चन देख रहे हैं तो इससे पहले काफ़ी सारा कवर हो चुका है तो क्वेश्चन फोर्थ जो है हमारा कौन सा ये देखो इससे पहले ये वाला हो गया है तो पेज नंबर है हमारा 216 पेज नंबर 216 का क्वेश्चन फोर है यहाँ पर हाउ कैन थ्री रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस टू ओम थ्री ओम सिक्स ओम बी कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ फोर ठीक है फोर ओम और फिर उसके बाद बी पार्ट में है वन ओम यानी कि अगर हम टू थ्री और सिक्स इन रेजिस्टर्स को जो है कनेक्ट करते हैं तो ये कैसे फोर ओम का रेजिस्टेंस दे सकते हैं और फिर कैसे वन ओम का रेजिस्टेंस दे सकते हैं ये हमें बताना है ठीक है तो अगर हम इन सबको सीरीज में कनेक्ट करते हैं यानी कि इस तरीके से सीधा सीधा कनेक्ट करते हैं तो ऐड करके क्या आ जाएगा अलेवन ओम आ जाएगा तो एक केस तो ये हो सकता है कि ओम आएगा ठीक है अगर सारे के सारे ये तीनों रजिस्टर्स अगर हम पैनल में कनेक्ट कर देते हैं तो पैलल में इस तरीके से है ना ऐसे करके कनेक्ट करते हैं जो ये फिगर है इस तरीके से पैनल में कनेक्ट किया जाता है तो पैलल में कनेक्ट कर देते हैं तो पैलल का फॉर्मूला वन अपॉन आर ठीक है पैनल इजिक्वल्स टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री इस तरीके से ये हमारा फॉर्मूला बनता है तो वन अपॉन आर वन में आर हो जाएगा हमारा वन अपॉन टू ठीक है प्लस वन अपॉन थ्री और प्लस वन अपॉन सिक्स ठीक है तो सिक्स हम लोगों का क्या आ जाएगा इसमें एल आ जाएगा टू थ्री ज़ा सिक्स यहाँ पर थ्री टू जो सिक्स और सिक्स वन जो सिक्स एल ले रहे हैं हम बस ये हो जाएगा सिक्स तो सिक्स अपॉन सिक्स यानी कि वन आ गया तो वन ओम तो यानी कि ये वाला वन ओम हमारा आ सकता है कब वन ओम हमारा आ सकता है जब हम सारे के सारे रजिस्टर्स को पेलल में कनेक्ट करते हैं ठीक है सारे रजिस्टर्स हैं हमारे हमने इन्हें पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है और जब हम इन सारे रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो करने के बाद हमारा जो है वन ओम आंसर आ जाता है अब सिक्स वन ओ, ओम तो आ गया बट फोर ओम कैसे आएगा तो देखो अब अगर हम दो टू और थ्री को सीरीज में कनेक्ट कर दें टू और थ्री को हमने कर दिया सीरीज़ में हमें ना हिट एंड ट्रायल करके करके देखना पड़ेगा टू और थ्री को सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो आ गया हमारे पास फाइव ओम फिर इस फाइव ओम को अगर हम लोगों ने सिक्स के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो पैलर जो है अगर दो होते हैं तो पैलल निकालने का फॉर्मूला इस तरीके से बना सकते हैं वैसे तो आप ऐसे भी कर लो कि वन अपॉइन्ट फाइव प्लस वन अपॉइन सिक्स वन अपॉइंट फाइव और वन अपॉइंट सिक्स जो है एल्सीम क्या आ जाएगा एल्सीम तो थर्टी आ जाएगा अब इसका फ़ाइव सिक्स जहाँ थर्टी और सिक्स फाइव जा तो यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा अलेवन अपॉन थर्टी अलेवन थर्टी आप लोग करोगे तो हमारे पास जो है आंसर इतना बन जाएगा और फिर इसमें आप क्या करोगे ऐड कर दोगे बस देखो अगर हम इस वाले फॉर्मूले से करें कि ये वाला देखो ये दोनों तो हम लोगों का क्या आ रहा है आ, ये वाला दोनों अपना सीरीज़ में ले लें और इसमें फिर हम लोग सिक्स ऐड कर दें तो हमारा यहाँ पर ऐसे करके सेवन पॉइंट टू आ जाएगा अब अगर हम थ्री और सिक्स को पैलर में ले लें और टू को सीरीज़ में ले लें थ्री और सिक्स को हमने पैलल में ले लिया और टू को इनके साथ फिर सीरीज़ में कर दिया तो इससे भी हम लोग निकाल के देख सकते हैं आ, ये देखो ये दोनों हमारे पैरेलल में हैं तो पैरेलल में दो होते हैं तो ऊपर वाला मल्टीप्लाई और नीचे वाला ऐड कर दिया और इसमें ये सीरीज में आ गया तो टू इसमें ऐड हो गया राइट तो ये हो गया ट्वेल्व हम इधर देखो सिक्स जा एटीन और अपॉन सिक्स प्लस थ्री नाइन और प्लस टू फिर उसके बाद हमारा ये नाइन हो जाएगा और नाइन टू जहाटीन एटीन प्लस एटीन कितना हो गया एटीन टू थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स अपॉर नाइन और नाइन फोर जो थर्टी सिक्स ये देखो ये वाला फोर हमारा आंसर आ गया जब हम लोगों ने थ्री और ये थ्री और सिक्स को तो हमने पैरेलल में कनेक्ट किया था और टू को सीरीज में कनेक्ट किया था तो हमारा ये वाला जो केस था ये वाला थर्ड वाला हमें बनाने की ज़रूरत नहीं थी हमारा ये वाले दोनों केसेस से एक बार केस टू और केस फोर इन दोनों से हमारे आंसर्स इसके आ गए ठीक है तो दस तो टू तो गेट फोर ओम थ्री और सिक्स को हम लोग पैनल में कनेक्ट करेंगे और टू को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन फाइव व्हाट इज़ द हाईएस्ट लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ फोर कॉइल्स ऑफ इतने रेजिस्टेंस तो ये चार कॉइल हैं एक फोर ओम की है एक एट ओम की है एक ट्वेल्व ओम की है और एक ट्वेंटी फोर ओम की है इनको जब ह, इनको हम कैसे कनेक्ट करें कि हाईएस्ट रेजिस्टेंस आए तो हाईएस्ट रेजिस्टेंस के लिए तो भाई देखो हमेशा किस में कनेक्ट करते हैं किसी भी चीज़ को सीरीज में अगर आपको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेजिस्टेंस चाहिए तो आप उस चीज़ को करेंगे कनेक्ट सीरीज़ में ठीक है हाईएस्ट रेजिस्टेंस के लिए किसी भी चीज़ को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो इन सबको आप ऐड कर दोगे सीरीज में कनेक्ट करने के लिए तो फोर्टी एट ओम हाइएस्ट रजिस्टेंस होगा लोएस्ट रजिस्टेंस किस में आता है लोएस्ट रजिस्टेंस आता है पेलर में ठीक है तो अगर आपको किसी भी चीज़ का रेजिस्टेंस दिए हुए हैं ठीक है उनका अगर आपको सबसे कम लोएस्ट रेजिस्टेंस चाहिए तो आप उस चीज़ को पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए तो ये आपने जब चारों ऐसे करके पैरेलल में कनेक्ट कर दिए हैं तो देखो वन पॉइंट फोर प्लस वन पॉइंट एट इन सबका एलसीएम लेकर के आंसर आ गया टू ओम तो टू ओम जो है वो लोएस्ट रेजिस्टेंस हो जाएगा पेज नंबर टू हंड्रेड एटीन के क्वेश्चन है वाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर डज नॉट ग्लो वाई द हीटिंग एलिमेंट डज तो जो हीटिंग एलिमेंट है आपने अगर इलेक्ट्रिक हीटर देखा हो तो हीटिंग एलिमेंट उसका जो है वो जलता है ग्लो करता है चमकता है और कॉर्ड क्यों नहीं चमकता तो देखो आंसर है इसका व्हेन सेम करंट फ्लोस थ्रू द कंडक्टिंग वायर एंड हीटिंग एलिमेंट द हीट जनरेटेड आई स्क्वायर आर इज वेरी हाई इन हीटिंग एलिमेंट कम्पेयर टू कंडक्टिंग वायर तो सब सेम करंट फ्लो होता है कंडक्टिंग वायर से और हीटिंग एलिमेंट से तो हीट जनरेट कितनी होती है हीट जनरेट होती है हमारी आई स्क्वायर आर काफ़ी ज़्यादा हाई होती है हीटिंग एलिमेंट में कंपेयर टू कंडक्टिंग वायर तो कंडक्टिंग वायर से में कम हीट फ्लो होती है एज कंपेयर टू जो है हीटिंग एलिमेंट हीटिंग एलिमेंट में बहुत ज़्यादा हीट फ्लो होती है दिस इज ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज वेरी हाई कंपेयर टू रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग वायर तो जो हीटिंग एलिमेंट की रेजिस्टेंस होती है वो कंडक्टिंग वायर से काफ़ी ज़्यादा होती है दस वैन द सेम करंट फ्लोज टू द कंडक्टिंग वायर हीटिंग एलिमेंट हीटिंग एलिमेंट हॉट एंड क्लोज तो हीटिंग एलिमेंट की जो है वो ज़्यादा उसमें क्या होता है रेजिस्टेंस जो है हीटिंग एलिमेंट का वो काफ़ी ज़्यादा होता है हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है इसलिए वो चमकता है सिंपल सा आंसर है कि हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है इसलिए वो चमकता है नेक्स्ट है कंप्यूट द हीट जनरेटेड वाई ट्रांसफरिंग नाइन्टी सिक्स थाउजेंड कुलॉम ऑफ चार्ज नाइन्टी सिक्स थाउजेंड कुलॉम चार्ज अगर आप लोग एक घंटे में पास करेंगे फिफ्टी आर वोल्ट से तो हम लोगों को क्या निकालना है हीट जनरेटेड की भाई कितनी हीट जनरेट होगी तो हीट जनरेट का फॉमूला है एच इज टू वी इन आई इन टी तीनों की तीनों चीज़ें हमारे पास हैं वी हमारे पास कितना है फिफ्टी आई जो है करंट हमारे कुलॉम में दे रखा है नाइन सिक्स ट्रिपल जीरो एक घंटे में तो अपॉन वन आर कर देंगे क्योंकि एक घंटे में है है ना अपॉन ऑन वन तो वन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे ठीक है तो इतना हो गया और इंटू वन बस सिंपल आप क्या करना है ये वाला जो ये वाला पार्ट है ना इसको आप छोड़ दो वन आवर से वन आर यहाँ पे कट जाएगा तो हमारा आ जाएगा फिफ्टी इंटू नाइन सिक्स ट्रिपल जीरो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा जूल को आप ऐसे करके पावर में लिख देंगे तो ट्वेंटी की पावर से एट पॉइंट ये हो जाएगा हमारा फोर पॉइंट एट इंटू ट्वेंट थ्री पावर सिक्स जूल तो देर फॉर द हीट जनरेटेड वैन नाइन्टी सिक्स थाउजेंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ फिफ्टी वोल्टेज फोर पॉइंट एट इंटू टेंट थ्री पावर सिक्स जूल सिंपल ये वाला फार्मूला लगाना था और आंसर आ गया था नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम मतलब इलेक्ट्रिक आयरन है प्रेस है उसके रेजिस्टेंस 20 ओम है टेक्स द करंट ऑफ 5 एम पियर तो वो कितना करंट ले रही है फाइव एम का करंट ले रही है कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड तो 30 सेकेंड में कितनी हीट डेवलप होगी देखो अगर हमें क्या देखा दे है रजिस्टेंस दे रखा है ट्वेंटी ओम का राइट करंट आई जो है वो फाइव एम है तो टेन सेकेंड में हमारी कितनी हीट जनरेट होगी तो H इज़ इक्वल्स टू आई इंटू वी इंटू टी ये होता है बट हमें V तो दे नहीं रखा हमें क्या क्या दे रखा है हमें R दे रखा है हमारे पास फॉर्मूला एक और होता है हीट का वो क्या होता है I स्क्वायर R T तो हम ये वाला लगा देंगे I दे रखा है फाइव तो फाइव इंटू फाइव कर देंगे R दे रखा है ट्वेंटी और T दे रखा है थर्टी फाइव फाइव ज़्यादा ट्वेंटी फाइव इंटू ट्वेंटी और इंटू थर्टी आ जाएगा राइट तो ये हो जाएगा थ्री टू जो सिक्स और ज़ीरो जीरो तो दो जीरो तो ऐसे ही बने रहेंगे सिक्स फाइव जो थर्टी कैरी थ्री जाएगा फाइव सिक्स टू जो ट्वेल्व और थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन ये ठीक हो गया तो फिफ्टीन इंटू टेन टू दी पावर थ्री जूल तो फिफ्टीन इंटू टेन टू दावर थ्री जूल ये हमारा आ जाएगा आंसर तो देअर फोर द हीट जनरेटेड इन थर्टी सेकेंड इज़ फिफ्टीन इंटू ट्वेंटी पावर थ्री जूल ठीक है ये हम लोग का हो गया यहाँ पर अब इसके बाद जो है वो जो पेज नंबर टू ट्वेंटी जो है ठीक है उसके क्वेश्चंस देख लेते हैं कुछ वट अ करंट तो आंसर है द द रेट एट एनर्जी इज इज डिलीवर्ड पावर ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंस तो एनर्जी जो है किस रेट से डिलीवर होते है उसको हम लोग पावर बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स फाइव एम्पियर फ्रॉम टू ट्वेंटी वोल्ट लाइन डिटरमाइन द पावर ऑफ मोटर एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन टू आर ठीक है तो इलेक्ट्रिक मोटर वो फाइव एम लेती है तो करंट कितना ले रही है आई है फाइव एम पियर वी जो है वो है हमारा टू ट्वेंटी वोल्ट डिटरमाइन द पावर ऑफ मोटर एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन टू आर मोटर की कितनी पावर है और दो घंटे में कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी ये हमें बताना है तो पावर का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल्स टू वी आई पावर इज इक्वल्स टू वी इन टू आई तो वी हमारा यहाँ पर है टू ट्वेंटी और आई है हमारा 5, right? तो जीरो, फाइव राइट तो ज़ीरो फाइव टू जै टेन फाइव टू जो टेन अलेवन वन वन जीरो पावर की यूनिट वॉट एनर्जी कंज्यूम तो ई इज़ इक्वल्स टू पी इंटू टी पी हमारा वन वन ज़ीरो आया था और टी हमारा टू है तो हमारा आर था अब आर से आप लोग इसको सेकेंड में चेंज करोगे तो 16 इंटू सिक्सटी कर दोगे क्योंकि घंटे को आर को आप चेंज कर रहे हो ना सेकेंड में आर को सेकेंड में चेंज कर रहे हो तो आर टू इंटू सिक्सटी इंटू सिक्सटी तो हमारे पास ये आंसर पूरा आ जाए ठीक है अब आप सोच रहे हो कि ये सेवन पॉइंट नाइन टू इंटू पावर सिक्स क्यों है क्योंकि ना इन जीरो जीरो जो आते हैं तो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखने के लिए इस तरीके से कर देते हैं तो हमारा ये आ गया पूरा का पूरा आंसर ठीक है अब ये एक्सरसाइज के हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे थैंक यू